Yes. हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जे आई एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टाइगर क्लास के पार्ट टू में सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूपीपीएससी से जस्ट 24 आवर्स बिफोर आखिरी बार जे आई एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, तो फटाफट इस सेशन को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि हम इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक भेज सके। सुमन, सलोनी, बेबी, तालिब, कंचन, रश्मि, राधिका, सुजीता, राशिद, गीता, वीरेंद्र, मलिक, मीनाक्षी, राकेश कुमार, इनेश, राम, कृष्णा, दीपा, भारती, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आज के इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस, जहां पर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का टाइगर क्लास का पार्ट सेकेंड आज स्टार्ट करें। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने और आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। मतलब सीधा है कि आपको सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। मतलब सीधा, माय लविंग फाइटर, जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं, आपके एक्सक्यूजेस से बड़े हो जाते हैं, तब सफलता मिलती है। सो यू आर डूइंग फंटास्टिक जॉब, ये बहुत अच्छा हार्डवर्क आप कर रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का सपना जेएनसी परिवार के साथ जुड़ करके पूरा हो। और आज के इस सेशन का पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां पर, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट ओनली इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? पेशेंट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ओनली इज पेशेंट इज कॉल्ड, व्हाट वी कैन से? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट ओनली इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, टर्सरी सोर्स ऑफ डाटा, और तीनों करेक्ट होंगे बच्चों। फटाफट आंसर पुट करना, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पे क्लास को वॉच करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के फाइनल एग्जाम से पहले ये इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत कुछ आपको देखे जाएगा बच्चों। तो मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करते रहिएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, टर्सरी सोर्स ऑफ डाटा, मैंने क्वेश्चन में पूछा कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट, जो हम सिर्फ पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कौन सा सोर्स ऑफ डाटा होगा? क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। सुपो, ज्यादातर बच्चों ने सेकेंडरी लिखा है, कुछ ने प्राइमरी लिखा हुआ है। आई वॉन्ट सिंगल आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर बदलना शुरू कर दिया। ए राइट आंसर, बिल्कुल सही। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बच्चों पढ़ते हैं डाटा कलेक्शन, जब हम पढ़ते हैं डाटा कलेक्शन, और डाटा कलेक्शन में जब हम सोर्स को फाइंड आउट करते हैं, दो सोर्स पढ़ते हैं बच्चों, प्राइमरी सोर्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स का मतलब सीधा कौन होगा? पेशेंट खुद होगा। और सेकेंडरी सोर्स के मतलब क्या होगा? पेशेंट के रिलेटिव हो सकते हैं, पेशेंट के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट हो सकती है। ये जो डाटा हमें मिलेगा, इनको बच्चों हम कंसीडर करेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी का मतलब जो इंफॉर्मेशन पेशेंट हमें देगा, दिस इज द
प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, और जो इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट के रिलेटिव से मिलेगा, फैमिली मेंबर से मिलेगा, रिकॉर्ड से मिलेगा, रिपोर्ट से मिलेगा, दैट वी कैन कंसिडर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विड्थ ऑफ मैट्रेसेस इज, आप लोग हॉस्पिटल में काम किया है, बेड में जो मैट्रेसेस होते हैं उसके पैरामीटर भी आपको पता होना चाहिए बच्चों. मेरा एमसीक्यू आपसे है कि विड्थ ऑफ मैट्रेसेस क्या. मैं लिखा 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, देन 190 सेंटीमीटर. विड्थ पूछा बच्चों, विड्थ देखिए, विड्थ ऑफ मैट्रेसेस जो हम पेशेंट के मैट्रेस को यूज करते हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए. बहुत बेसिक एमसीक्यू बच्चों आपसे पूछा. जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन डोनेटिंग 100 रुपीज, 100 रुपीज माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. थैंक यू सो मच जाकिर हुसैन फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन. डेफिनेटली बच्चा मैं आपसे बात करूंगा क्लास के बाद. विड्थ ऑफ मैट्रेसेस इज, क्या विड्थ होगी मैट्रेस की. ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने, डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं बच्चों. देखिए विड्थ हमेशा 190 सेंटीमीटर हम कंसिडर करते हैं. मैट्रेस कैसा होता है, फर्म होता है, थिक होता है, स्मूथ होता है. तो याद रखना आज के बाद विड्थ का पूछिए बच्चों 190 सेंटीमीटर लिखना. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां पर मैट्रेस का भी. एक और खास बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. बेडशीट इज अबाउट, देखिए मजेदार एमसीक्यू. बेडशीट इज अबाउट व्हाट. मैंने लिखा बच्चों 80 इंच लॉन्ग, 40 इंच वाइड. मैंने लिखा बच्चों 106 इंच लॉन्ग, 56 इंच वाइड, 110 इंच लॉन्ग, 75 इंच वाइड, और 108 इंच लॉन्ग और 76 इंच वाइड. आपने बेड मेकिंग भी बहुत की होगी बच्चों. मैंने आपको बेडशीट के पैरामीटर पूछे. जो बेडशीट हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं उस बेडशीट की लंबाई मैंने पूछी बच्चों. फटाफट आपको आंसर पुट करना कि लेंथ कितना होगा और इसका विड्थ कितना होगा. अब आपको आंसर देना है, अब आपको आंसर देना बच्चों. फंटास्टिक आंसर, शाबाश 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 शाबाश. थोड़ा सोच के लिखिएगा. कुछ बच्चों ने आंसर ए पुट किया, किसी ने बी लिखा, किसी ने सी, किसी ने डी. सबके आंसर मिल रहे हैं. अशोक डोनेटिंग 100 रुपीज. थैंक यू अशोक फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जेएएनसी स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों. बेडशीट का पैरामीटर पूछा मैंने आपसे, बेडशीट का पैरामीटर पूछा है. क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सही. डी आपका राइट आंसर है. 108 इंच तो आपकी बेडशीट जो है लंबा होता है, और 76 इंच जो है ये बेडशीट चौड़ा होता है. हम हॉस्पिटल में जब काम करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जो बेडशीट हमें मिलती है उस बेडशीट में हम जब बेड मेकिंग करते हैं चारों कॉर्नर को टक करते हैं, तो ज्यादातर जगह दो ही कॉर्नर हम बना पाते हैं, दो कॉर्नर तक बेडशीट पहुंच नहीं पाती है. आज हमें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हॉस्पिटल में जो बेडशीट हम यूज करते हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए बच्चों. 108 इंच लॉन्ग होना चाहिए, 76 इंच जो है वाइड होना चाहिए. ये सफिशियंट बेडशीट बेड मेकिंग लिए होना चाहिए बच्चों. ओके फाइन, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बच्चों एक बार क्लास को लाइक करें ताकि कार्बोहाइड्रेट मिले और क्लास को कैरी ऑन करें. फटाफट क्लास को लाइक, देन तुरंत शेयर कर दें मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स तक. आज का इंपॉर्टेंट डाटा पहुंचना चाहिए ताकि कल के एग्जाम में वो बेहतर कर सके, वो बेहतर कर सके बच्चों. डू इट एवरीबडी राइट नाउ. साबस साबस साबस. हाँ, याद रखने के तरीके 108 एम्बुलेंस आपको पता है, बिल्कुल उसे याद रखिएगा आप, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों. ओके फाइन, ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन पीरियड. मतलब एक तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम और एक बिटवीन मेंस्ट्रुएशन जब चल रहा है उस समय यदि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हम क्या कहते हैं. एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपसे पूछा है, टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा है कि हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हाट वी कैन से. हम किस टर्म से प्रोनाउंस करेंगे. क्या हम एमिनोरिया बोल सकते हैं, क्या हम हाइपोमेनोरिया बोल सकते हैं, क्या हम ओलिगोमेनोरिया बोल सकते हैं, क्या हम मेनोमेट्रोजिया बोल सकते हैं, मेनोमेट्रोजिया बोल सकते हैं बच्चों. फटाफट आंसर पुट करना. मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन क्या पूछा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन पीरियड. मतलब जब पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है इन बिटवीन पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है उस ब्लीडिंग को हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे. क्या हम उसको एमिनोरिया बोल सकते हैं, क्या हम हाइपोमेनोरिया बोल सकते हैं,
क्या उसको मेनोमेट्रोजिया बोल सकते हैं, क्या ओलिगोमेनोरिया बोल सकते हैं, ओलिगोमेनोरिया बोल सकते हैं। अर्चना यादव वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, चार ऑप्शन है, चारों टर्म्स एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यूज इंपॉर्टेंट, आपको एक आंसर पुट करना है, फटाफट पुट करिएगा बच्चों। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने यहां पर डायरेक्टली आंसर लिखा है डी, कुछ ने बी लिखा है, मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं बच्चों, क्योंकि एमिनोरिया में हम पढ़ते हैं अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, मेनोमेट्रोजिया, मेनोमेट्रोजिया का मीनिंग हो गया दैट हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग और बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, बिटवीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ पीरियड। एक और खास बात देखिएगा, एक और खास बात देखिए, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से एमिनोरिया का क्वेश्चन आता है तो आपको अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ज्यादातर जब भी पेशेंट के फाइल पे प्रेगनेंसी के बारे में लिखा होता है कि ये प्रेगनेंसी जो है ये कितने मंथ की है, तो डॉक्टर क्या लिखेगा, सिक्स मंथ एमिनोरिया, सिक्स मंथ एमिनोरिया, मतलब सिक्स मंथ से पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा, कहीं एट मंथ लिखा होगा, कहीं टू मंथ लिखा होगा। एमिनोरिया का मतलब है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक और खास बात देखिए बच्चों, हाइपोमेनोरोजिया का मतलब होता है स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, और ओलिगोमेनोरेजिया ऑलरेडी मैंने कहा था पीरियड मोर देन 35 डेज अपार्ट, दैट इज ओलिगो का मतलब होता है कम, ओलिगो का मतलब कम होता है, पॉली का मतलब ज्यादा होता है, पॉली का मतलब ज्यादा होता है, तो ओलिगोमेनोरेजिया का मतलब होता है पीरियड जो है वो मोर देन 35 डेज आएगा तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन जो कम होगा, देन पॉलीमेनोरेजिया पीरियड लेस देन 21 डेज अपार्ट। ये छोटे छोटे टर्म्स एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनोरेजिया हाइपर मेनोरेजिया बोलते हैं एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, बहुत हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, देन मेट्रोरेजिया ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड ऑलरेडी हमने पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एनेस्थेसिया वेरी सुटेबल फॉर द सर्जरीज इन्वॉल्व लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पेशेंट को लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में सर्जरी करना है, सर्जरी करना है तो कौन सा एनेस्थेसिया बेस्ट रहेगा, मतलब सीधा पेशेंट को ऑपरेट करना है और ऑपरेट करने में बॉडी के लोअर पार्ट को ऑपरेट करना है तो कौन से टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया को हम प्रीफर करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन में लिखा मैंने जनरल एनेस्थेसिया, ऑप्शन में लिखा लोकल एनेस्थेसिया, ऑप्शन में रीजनल ब्लॉक लिखा हुआ है और स्पाइनल एनेस्थेसिया लिखा हुआ है। क्विक आंसर पुट करिएगा, बिट टू लव, थैंक यू सो मच माय डियर। बच्चों फटाफट लिखिएगा, पेशेंट के लोअर बॉडी पार्ट की बात करो, लोअर बॉडी पार्ट में यदि किसी ऑर्गन में सर्जरी करना है तो हम कौन सा एनेस्थेसिया प्रीफर करेंगे, कौन सा, गलत नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। स्पाइनल ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, स्पाइनल ज्यादातर बच्चों लिखा और स्पाइनल ही सही होगा बच्चों। डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूं लोकल एनेस्थेसिया माइनर इंसिजन में हम यूज करते हैं, माइनर इंसिजन कहीं पुट करना होता है तो लोकल को प्रीफर करते हैं, सीडीएन से सॉरी वीकेंड से कहीं क्यूरेट करना है, कहीं डिब्राइडमेंट करना है। रीजनल में जो है ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दैट वी कैन से पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट को राइट हैंड में सर्जरी होना है, राइट हैंड में सर्जरी होना है तो हम क्या कर दिया, पेशेंट को क्लेविकुलर ब्लॉक लगा दिया तो इधर का पेशेंट का नर्व सप्लाई रुक जाएगा, तो दैट वी कैन से, सिंपली वी कैन से बच्चों रीजनल। और स्पाइनल कौन नहीं जानता, स्पाइनल का मतलब होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज के नर्व सप्लाई को बंद कर देना, लोअर एक्सट्रीमिटीज के नर्व सप्लाई को बंद कर देना, दैट वी कैन स्पाइनल। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोस्ट प्रीफर्ड एनेस्थेसिया फॉर सिजेरियन सक्शन, मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सक्शन, LSCS की हम बात करें तो क्वेश्चन आएगा कि LSCS वाले पेशेंट में कौन सा एनेस्थेसिया हम प्रीफर करते हैं, तो बच्चों यहां पर भी आपको आंसर स्पाइनल लिखना होगा। खिमराज परिहार, खिमराज परिहार डोनेटिंग 50 रुपीज टूवर्ड JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू खिमराज, थैंक यू सो मच माय डियर। तो बच्चों ये मोस्ट प्रीफर्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन पूछे तो भी आपको स्पाइनल ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइस यूज टू रेज रेज द फुट और हेड एंड ऑफ द पेशेंट बेड फॉर्म्ड। देखिए ये पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट का बेड है, ये हेड है और ये फुट एंड है, फुट एंड है, इनको यदि हमें रेज करना, अप करना है, रेज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या हम सैंड बैग को यूज करेंगे, क्या हम बेड क्रेडल को यूज करेंगे, क्या हम बेड क्रेडल को यूज करेंगे, क्या हम बैक रेस्ट को यूज करेंगे,
क्या हम बैड ब्लॉक्स को यूज करके, थोड़ा क्वेश्चन को समझना। थैंक यू सो मच एम कुमार। क्वेश्चन कहता है कि डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है जो पेशेंट के बेड का फुट को रेज करने में या हेड के एंड को रेज करने में मदद करता है, एलिवेट करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना है, फटाफट आपको आंसर पुट करना, विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया, बेड ब्लॉक्स लिखा हुआ है, बेड ब्लॉक्स लिखा, बिल्कुल सही। देखिए बेड ब्लॉक्स जैसे टेंडर लेनबर्ग पोजीशन, बेड ब्लॉक्स क्या होगा, सपोज ये पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट का बेड है, इस बेड के नीचे सपोर्ट लिए हम लोग ब्लॉक्स पुट करते हैं, इस पेशेंट के बेड के नीचे सपोर्ट लिए बेड ब्लॉक्स पुट करते हैं, इट विल हेल्पिंग टू एलिवेट इट। जैसे टेंडर लेनबर्ग पोजीशन है, आपको सभी को पता है कि शॉक वाला पेशेंट है, शॉक वाला पेशेंट है या हाइपोटेंशन वाला पेशेंट है, हाइपोटेंशन या पेशेंट का वीनस रिटर्न करना है, वीनस रिटर्न करना है, तो हम कौन सी पोजीशन को प्रीफर करते हैं, हम टेंडर लेनबर्ग पोजीशन को प्रीफर करते हैं। और टेंडर लेनबर्ग का मतलब क्या होगा, ये पेशेंट का बेड है तो हेड जो होगा वो तो पेशेंट का लो हो जाएगा, लेग जो है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन, क्या बोलते हैं, टेंडर लेनबर्ग पोजीशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, बेड क्रेडल पेशेंट विथ बर्न एंड प्लास्टर कास्ट इज येट टू बी ड्राई, मतलब बेड क्रेडल क्या होगा, पेशेंट का जो बेड होगा, इस बेड के ऊपर एक डिवाइस को हम पुट करते हैं, इस डिवाइस का पर्पस क्या होगा, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ, यदि पेशेंट को बर्न है, यदि पेशेंट को प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है, तो बेड के जो ब्लैंकेट है, इवन बच्चों बेडशीट है, ये डायरेक्टली पेशेंट के स्किन को टच नहीं करें, इसीलिए हम किसको यूज करते हैं, हम बेड क्रेडल को यूज करते हैं बच्चों, बेड क्रेडल को यूज करते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि बेड क्रेडल जो, इसका पर्पस क्या होगा, इस तरीके की डिवाइस होगी, बेड पे पुट कर दिया जाता है और क्लोथ को डायरेक्ट पेशेंट के स्किन को टच होने से प्रिवेंट करने का काम करता है बच्चों। इवन इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने यहां लिखा कि बैक रेस्ट, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को, डिस्निया और यदि वर्कलोड हार्ट पे बढ़ गया तो पेशेंट के हेड को एलिवेट करने में हम यूज करते हैं, दैट वी कैन से बैक रेस्ट, दैट वी कैन से बैक रेस्ट। और सैंड बैग बताना चाहता हूं, तो सैंड बैग का पर्पस क्या होता है, इमोबिलाइज, इमोबिलाइज, इमोबिलाइज का मतलब नॉट मूवेबल, नॉट मूव, किसी भी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं बच्चों, सैंड बैग, किसको यूज करते हैं, सैंड बैग। और इवन मैं आपको बता देता हूं, यदि पेशेंट को थायरोडेक्टोमी हुआ तो आफ्टर थायरोडेक्टोमी, आफ्टर थायरोडेक्टोमी, थायरोडेक्टोमी के बाद में पेशेंट को सैंड बैग का यूज किया जाता है, ताकि नेक को राइट और लेफ्ट रोटेट होने से प्रिवेंट करने के लिए। याद रखिएगा, थायरोडेक्टोमी के बाद सैंड बैग का यूज होता है, फ्रैक्चर वाले पेशेंट, फ्रैक्चर वाले पेशेंट में सैंड बैग का यूज होता है, ताकि पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज जो है वो मूव नहीं कर पाए, वो मूव नहीं कर पाए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, जेएनसी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, मैं बताना चाहता हूं 3 to 7 PM का टाइम है, जिस बच्चे को जेएनसी जोधपुर आकर के पढ़ना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता है, तो 3 to 7 PM का टाइम है बच्चों, 6 month का कोर्स है, 6 month का कोर्स है, 30 days में 30 days क्लास है, वीकली टेस्ट होगा बच्चों, और हम पढ़ेंगे JINC जोधपुर की ए टीम से ऑफलाइन JINC गुरुकुल में। यदि बच्चे हॉस्टल में रहना चाहेंगे, 6,000 rupees फीस पर मंथ है, हॉस्टल का फीस जो है वो 6,000 rupees पर मंथ है बॉयज और गर्ल्स। और याद रखना बच्चों, लाइब्रेरी फैसिलिटी फ्री है, लाइब्रेरी फैसिलिटी फ्री है, और सबसे खास बात, 30 दिन में 30 दिन क्लास, ट्यूसडे को टेस्ट, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। तो इसका सिंपल तरीका, जोधपुर आगे पढ़ना चाहता बच्चा, तो 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकता है, 1,000 rupees को अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटीडॉट ऑफ हिपेरिन क्या बोलते हैं बच्चों, फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको रिमाइंड करना है बच्चों। कल मैंने कुछ स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में, आज मैं आपको बताने वाला हूं
एंटीडॉट्स के बारे में, जहां पर एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंटीडॉट ऑफ हिपेरिन आपसे पूछेंगे तो बच्चों प्रोटामिन सल्फेट लिखना, यही यदि आपको पूछे हैं एंटीडॉट ऑफ एनोक्साप्रिन आपसे पूछे एनोक्साप्रिन, याद रखना एनोक्साप्रिन जो है ये सबकुटेनियस एंटीकोगुलेंट है, इसी को लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, और ये सबकुटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इसका भी एंटीडॉट कौन है बच्चों? प्रोटामिन सल्फेट है। कौन है बच्चों? प्रोटामिन सल्फेट है। एक ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है। एंटीडॉट ऑफ वारफरिन आपसे पूछे हैं विटामिन के, इसको हम एंटी हेमरेजिक बोलते हैं, इसको हम एंटी हेमरेजिक बोलते हैं बच्चों, एंटी हेमरेजिक विटामिन, दैट वी कैन से विटामिन के, विटामिन के दैट इज एंटीडॉट ऑफ वारफरिन। देन एंटीडॉट ऑफ डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन का बच्चों डिजी बाइंड इम्यून फैब, डिगॉक्सिन हम किसमें यूज करते हैं? मैंने कल कहा था ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर पेशेंट को ट्रीट करना है तो डिगॉक्सिन को यूज करते हैं, जिसको हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। इसका एंटीडॉट कौन है बच्चों? डिजी बाइंड फैब है। नेक्स्ट देखिए एंटीडॉट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट, देखिए मॉर्फिन सल्फेट जो है MI वाले पेशेंट को देते हैं, कैंसर वाले पेशेंट को देते हैं, और यदि मॉर्फिन सल्फेट पेशेंट को दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना ये डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, और डिगॉक्सिन देंगे तो हार्ट रेट को चेक करना डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगा बच्चों। इसके अलावा मॉर्फिन सल्फेट यदि किसी पेशेंट को एक्सेसिव चला गया तो नेलेक्सोन होगा, और इसकी वजह से पिन पॉइंट प्यूपिल भी होगा बच्चों, पिन पॉइंट प्यूपिल जो है ये इस ड्रग के ओवरडोज की वजह से होता है, ड्रग के ओवरडोज की वजह से होता है पिन पॉइंट प्यूपिल। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करो जो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी बच्चों। इसके अलावा एंटीडॉट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, देखिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग पढ़ते हैं, और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का काम होता है दैट वी कैन से ब्रेक डाउन या डिजोल्व ब्लड क्लॉट, डिजोल्व ब्लड क्लॉट, यदि पेशेंट के आर्टरी में कहीं ब्लड क्लॉट है उसको डिजोल्व करने का काम होता है, स्टेप्टोकाइनेस होगा। और इसका एंटीडोट है बच्चों अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड दैट एंटीडोट विल हेल्प टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा एंटीडॉट ऑफ एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, और यहां लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसिटाइल सिस्टीन, यदि किसी पेशेंट ने एसिटामिनोफेन इनटेक कर लिया है दैट कैन कॉज पॉइजनिंग, और उसको कम करने के लिए बच्चों हम एसिटाइल सिस्टीन को यूज करते हैं। इवन एंटीडॉट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग एट्रोपिन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके सीधे यूपीपीएससी को मदद करेगा बच्चों क्रैक करने में। एंटीडॉट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट का कई बार आया हुआ है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का पेशेंट है तो कौन सी एंटीडॉट ड्रग को प्रिफर किया जाता है? एट्रोपिन, याद रखिएगा ये जो एट्रोपिन है ये प्यूपिल को डायलेट करने में भी हम यूज करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करने में भी यूज करते हैं, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने में भी बच्चों हम यूज करते हैं, और दैट ड्रग वी कैन से एट्रोपिन सल्फेट, दैट ड्रग वी कैन से एट्रोपिन सल्फेट। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा एंटीडॉट ऑफ द बेंजोडाइजेपाइन और फ्लुमाजेनिल, फ्लुमाजेनिल दैट वर्क एज ए एंटीडॉट फॉर द बेंजोडाइजेपाइन। आपने ट्रैंक्यूलाइजर पढ़ा होगा, माइनर ट्रैंक्यूलाइजर, मेजर ट्रैंक्यूलाइजर, उसका एग्जांपल मैंने यहां पर पूछ किया बेंजोडाइजेपाइन। ये ड्रग किसी पेशेंट को दिया है इसके इफेक्ट को कम करने के लिए फ्लुमाजेनिल यूज करते हैं बच्चों। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटीडॉट ऑफ द आयरन, एंटीडॉट ऑफ द आइसोनियाजिड INH, यदि किसी पेशेंट को आपने आयरन ज्यादा दिया या INH का ओवरडोज हो गया तो डिफ्लोक्सामाइन यूज करते हैं बच्चों, डिफ्लोक्सामाइन यूज करते हैं। अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ सीधा पूछेंगे। थैंक यू सो मच इकबाल कि एंटीडॉट ऑफ आयरन कौन होगा? आयरन सप्लीमेंट बच्चों हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट में देते हैं, INH एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है, TB वाले पेशेंट को देते हैं, और इसका ओवरडोज को कम करने के लिए डेफ्लोक्सामाइन ड्रग को यूज करते हैं, डेफ्लोक्सामाइन ड्रग को यूज करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन तो बनेगा एंटीडॉट में से एग्जाम में। नेक्स्ट लिखा एंटीडॉट फॉर एस्प्रिन सोडियम बाइकार्बोनेट, एस्प्रिन जो है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एस्प्रिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग है,
कभी भी हम एस्प्रिन को वारफरिन के साथ नहीं देते, वारफरिन के साथ नहीं देते, हिपेरिन के साथ नहीं देते और हीमोफीलिया में नहीं देते। वारफरिन के साथ, हिपेरिन के साथ, हीमोफीलिया में हम एस्प्रिन को अवॉइड करते हैं, बिकॉज दैट कैन कॉज ब्लीडिंग। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच बच्चा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एंटीडॉट ऑफ MgSO4 कौन नहीं जानता? कैल्शियम ग्लूकोनेट बच्चों, किसी पेशेंट को यदि MgSO4 ज्यादा दे दिया तो इफेक्ट को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज करेंगे, या पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन आपने किया तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन कैन कॉज हाइपोकैल्सिमिया और हाइपोकैल्सिमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस स्लाइड में जितने भी मैंने एंटीडॉट्स आपको पुट किया है, 200% एक क्वेश्चन बनेगा, 200% एक क्वेश्चन बनेगा आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चों, लगभग वी क्रॉस 2400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट एक बार लाइक जरूर करें क्लास को, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आज क्लास को वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका JINC हर परिस्थिति में अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करता और आपको इस बेस्ट क्वालिटेटिव कंटेंट को अडॉप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने बेल आइकॉन को दबाया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो ये एक आप तक इंफॉर्मेशन देने का तरीका होता है। Everybody have capability to watch, to analysis, then you decide कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। और मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि मेहनत आपको करनी होती है, पढ़ना आपको होता है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, then you will decide which is best for your future। तो इसीलिए फटाफट इस important parameter को share जरूर करिएगा। अब next question की तरफ move on करेंगे बच्चों। बहुत सारे एंटीडॉट हमने यहां पर पढ़ा। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि वैक्सीनेशन वर्क टू एस्टैब्लिश, हम किसी पर्सन को वैक्सीनेट करवाते, जैसे अभी आपने देखा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हमने कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन करवाया। मेरा MCQ आपसे कि वैक्सीनेशन वर्क टू एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करती? शुक्रिया प्रदीप वर्मा, थैंक यू सो मच। क्या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है? क्या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है? क्या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है? याद रखिएगा, आपने कोवैक्सीन, आपने बच्चों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन आपने लगवाया होगा, तो इन दोनों वैक्सीन को देने के बाद आपकी बॉडी में इन चारों में से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई? बहुत मजेदार MCQ है, सोच के आंसर देने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो रखे हैं। और मेरा क्वेश्चन भी आपसे ये कि वैक्सीनेशन वर्क टू एस्टैब्लिश, व्हाट एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करेगी बच्चों? ज्यादातर बच्चों ने मिक्स आंसर पुट किया है, बट ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। कोविड पे MCQ बनेगा, मैंने कल की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो फटाफट आपको आंसर देना है कि विच इज द राइट आंसर। डिफरेंट व्यू आ रहे हैं बच्चों। मैं देखिए, हमेशा हम कंसिडर करते हैं तो आर्टिफिशियल और एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, डी इज द राइट आंसर। हम इसे देखिए, नेचुरल नहीं होगा रवि राजपूत, नेचुरल नहीं होगा बच्चों, नेचुरल नहीं होगा, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बच्चों, एक्टिव आर्टिफिशियल, क्योंकि ये वैक्सीन आपके बॉडी में जाने के बाद पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, तो ये आर्टिफिशियल होगी। एक्टिव का मतलब आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, दैट इज द डिफरेंस, दैट्स अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। थैंक यू सिंह स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटिन्यूअस, देखिए मजेदार क्वेश्चन है, क्या इसमें जो है वो कंटिन्यूअस है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैश कंटिन्यूअस, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। क्या ग्रोथ लगातार होती है? क्या डेवलपमेंट लगातार होता है? क्या बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों लगातार होता है, या कोई भी आंसर सही नहीं है? कोई भी आंसर सही नहीं है बच्चों, बिल्कुल। आरती HP, विश यू हैप्पी गांधी जयंती एवरीबडी। Which of the following is a continuous, लगातार क्या? इन चारों में से मुझे आंसर पुट करना, क्या पेशेंट का ग्रोथ लगातार होता है? क्या पेशेंट या पर्सन का डेवलपमेंट लगातार होता है? क्या दोनों लगातार चलते हैं, या एक भी सही नहीं है, या एक भी सही नहीं है?
बी भी लिख रहे हैं बच्चों, डी भी लिख रहे हैं। देखिए कितना आसान है बट ट्रिकी एमसीक्यू, ट्रिकी एमसीक्यू है। हमेशा याद रखना बच्चों, डेवलपमेंट राइट होगा, ग्रोथ जो है, ग्रोथ जो है ये 25 ईयर तक होती है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 25 साल तक ग्रोथ होती है। स्पेशली किसकी होगी बच्चों? बोन की। मतलब सीधा जो आपकी हाइट बढ़नी है 25 साल की उम्र तक बढ़ जाएगी उसके पास में वाले। उसके बाद में आप शंख पुष्पी पिए, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, जिम करें, बोन का ग्रोथ फर्दर नहीं बढ़ता, फिर मसल ग्रो होती रहती। तो बच्चों याद रखिएगा, ग्रोथ जो एग्जाम में पूछे कौन सी एज तक होता है, तो आपको आंसर लिखना है 25 ईयर तक। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, हमेशा डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलता रहेगा बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ। ये पीडियाट्रिक का एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसको BFHI बोलते हैं, ये कब, when was launched? क्या ये 1990 में हुआ, क्या ये 1992 में हुआ, क्या ये 1994 में हुआ, और क्या ये 1996 में हुआ? अब आपको आंसर पुट कर, मेरा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है बच्चों कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ, ये क्वेश्चन आपसे फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। 1991 तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन को देख के आंसर लिखिएगा, ऑप्शन को देख के आंसर लिखिएगा। 1991 ऑप्शन नहीं है, 1992 मतलब 1992। देखिए 1992 आपको लिखना है, 1991 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। दैट वी कैसे, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, सिक टेस्ट लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिक टेस्ट जो है वो कौन सी डिजीज का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, मेरे एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। सिक टेस्ट कौन सी डिजीज का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है। क्या मम्स का है, क्या मीजल्स का है, क्या डिप्थीरिया का है, क्या पर्ट्यूसिस का है, क्या पर्ट्यूसिस का? देखिए मम्स तो हमेशा पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, तो आपको पैरोटिड ग्लैंड लिखना है, और इसमें पैरोटाइटिस करता है, पैरोटाइटिस करता है बच्चों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है कि मम्स कौन सी सलावरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा मीजल्स है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, मैंने सिक टेस्ट का पूछा है, और ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है बच्चों, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। ऑलमोस्ट बच्चों ने डिप्थीरिया लिखा और आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, डिप्थीरिया, दैट वी कैन एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। डिप्थीरिया में हम सिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, सिक टेस्ट जो है 1913 में डेवलप हुआ, 1913 में ये डेवलप हुआ। ये एक तरह का स्किन टेस्ट है, जैसे हम लोग मोंटॉक टेस्ट पढ़ते हैं, जब हम लोग मोंटॉक टेस्ट पढ़ते हैं, ये मोंटॉक टेस्ट की तरह एक तरह का स्किन टेस्ट है, और इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि वेदर द पेशेंट आर ससेप्टेबल और नॉट, क्या पेशेंट डिप्थीरिया में ससेप्टेबल है, या माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो इसको कॉज किया है कि नहीं किया, तो ससेप्टेबिलिटी का पता लगाने में भी मदद करता है ये स्किन टेस्ट एक तरीके का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए पेशेंट सी ए रोप, ये तो बड़ा फेवरेट एमसीक्यू, हर बार आता है, ए पेशेंट सी ए रोप एंड गेट अफ्रेड दैट इट इज स्नैक, दिस साइन इज नाउन एज, रस्सी को सांप समझना, कौन नहीं जानता बच्चों। ये मैंने इसलिए पुट किया कि क्वेश्चन कई बार आ चुका, फिर आएगा कल के पेपर में, फिर मिलेगा आपको कल के पेपर में, कि रस्सी को सांप समझना, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डीपर्सनलाइजेशन, एक टर्म्स यहां पर आएगा, थॉट डिसऑर्डर में एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, फटाफट लिखिएगा बच्चों। रस्सी को सांप समझना क्या कहलाता है, मतलब जब आप देखते हो तो वहां पर एक रॉब लटका हुआ है, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बट हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट। शुक्रिया जे आयन से प्रीति, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है बट अपना जो प्रिडिक्शन है वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल बच्चों, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब सीधा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को मिस इंटरप्रेट करना इल्यूजन कहलाता है। दूसरा, यदि कुछ भी नहीं है फिर भी लगता कुछ है,
विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई और आपको लग रहा है वहां पर कुछ है, जिसे रात को कहते हैं नींद में भूत आ गया, बोले भूत आ गया बट भूत नहीं है, बट फिर भी हमें लगता है ना कोई काला तगड़ा मोटा हट्टा कट्टा खड़ा है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन स्पेशली ये कब होता है, जब बहुत डीपली हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लेते हैं तो फिर रात भर हमें हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन होता है बच्चों। डिल्यूजन को हम बोलते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। फॉल्स फिक्स्ड बिलीव का मतलब एक बार हमने सोच लिया गलत है तो भी हमारी नजरों में वो सही होता है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि टू पीपल्स आर स्टैंड टुगेदर, दो लोग आपस में खड़े होकर बात करें, उसमें से एक आपका वो पर्सन जिससे आपकी नहीं बनती, तो आपके मन में ये सीधा होगा कि वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब ये फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है कि जरूर वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिल्यूजन बोलते हैं, उसको डिल्यूजन। सोनाली, सोनाली पटेल डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू बच्चा सोनाली, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द जे आई एन सी स्टूडेंट फंड। तो याद रखना बच्चों, इल्यूजन मैंने कहा था स्टिमुलाई है, गलत इंटरप्रेट करना, हेलुसिनेशन का मतलब बंदा नहीं है फिर भी लग रहा बंदा खड़ा है, और डिल्यूजन का मतलब मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये तीनों क्लियर हो जाना चाहिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन, इकबाल बिल्कुल सही, अभी लगभग 2600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। बच्चों पहले एक बार क्लास को सभी लाइक करें, देन नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, फटाफट सभी बच्चे लाइक करें। 2600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, लाइक वन एवरीबॉडी राइट नाउ, डू इट, शाबाश, यस यस दैट आई वांट। जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों, डू इट एवरीबॉडी, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट मोर देन 2600, यस यस दैट आई वांट। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए बच्चों, कैसे मिस कर पा रहे हो, कैसे मिस कर रहे हो आप लोग, इट्स योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप क्लास को वॉच करने आते हो, ये तो पहली एक्टिविटी आपकी, ये तो पहली एक्टिविटी है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते बच्चों। एक वर्ड लिखा मैंने, डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ आइडेंटिटी लॉस, खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर देना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। दीपिका डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच बच्चा। तो दैट वी कैन से डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ COVID-19। ये तो क्वेश्चन बनता रहे बच्चों कि कौन सा टेस्ट यूज करते हैं COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए, क्या हम उसमें पैच टेस्ट करते हैं, क्या बच्चों हम यहाँ पर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, क्या हम यहाँ पर RT-PCR करते हैं, क्या हम यहाँ पर एंटीबॉडी भी करते हैं और RT-PCR दोनों करते हैं। अब आपको आंसर पुट करना है, बिल्कुल मोनिका, अब आपको आंसर पुट करना है, पैच टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR। देखिए RT-PCR एंटीबॉडी को डिटेक्शन करने में मदद करता है और बी एंड सी दोनों हो सकते हैं। मेरा MCQ है COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कितना आसान MCQ। ये गलत हो गया, मार पड़ेगी बच्चों, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों ने RT-PCR लिखा, बिल्कुल बच्चों RT-PCR, PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। और ये PCR जो है हम बच्चों में करते हैं जब HIV/AIDS का पता लगाना होता है, HIV/AIDS का पता लगाना होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, डिजिटल क्रांति के बारे में बताते हो कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और आज ऑफर का लास्ट डे है, आज ऑफर का लास्ट डे है। डिजिटल क्रांति में बैठे पढ़े घर बैठे बिना इंटरनेट, मतलब सीधा आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बिना इंटरनेट आप घर पे बैठ के अपने स्टडी को कर सकते हो बच्चों। यहां ना तो कोई सर्वर का इश्यू है, ना नहीं चलने का इश्यू है, इसमें आपको 4 पेन ड्राइव मिलेंगे बच्चों, 4 पेन ड्राइव आपको मिलेंगे जिसमें लगभग 1200 या 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा, और इसमें जो JINC के कोर टीम उसके द्वारा क्लास रिकॉर्ड की गई है, नर्सिंग के साथ रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, रिसर्च होगा, एडमिन होगा, एजुकेशन होगा, फार्मा होगा,
इवन माइक्रो इमरजेंसी नर्सिंग, मतलब वो पूरा सिलेबस जो टीम JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और इस कोर्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका बच्चों आप घर बैठे पढ़ सके हैं। 9999 इसका प्राइस है। आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके परचेज कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे खास बात है, आप डायरेक्ट JINC के ऐप से और वेबसाइट से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा कोर्स आपके घर पे आएगा, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा कोर्स आपके घर पे आएगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। विथहोल्ड सॉलिड फूड एंड लिक्विड एज प्रिस्क्राइब टू अवॉइड एस्पिरेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स बिफोर सर्जरी विद द लोकल एनेस्थेसिया। मतलब ये लिखा है पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया देना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सोच के आंसर लिखना। मेरा MCQ आपसे ये पूछा है, MCQ आपसे ये पूछा है कि विथहोल्ड करते हैं हम लोग सॉलिड फूड को, लिक्विड को, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और इसका पर्पज होता है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना। तो हम लोकल एनेस्थेसिया जिस पेशेंट को देना है, उस लोकल एनेस्थेसिया देने वाले पेशेंट को कितने टाइम पहले पे फूड को विथहोल्ड कर देंगे। देखिए गलत मत देना, मैं बता रहा हूं बच्चों, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना बच्चों। ऑप्शन में 3 आवर लिखा हुआ है, 6 आवर लिखा हुआ है, देन 6 to 8 आवर लिखा हुआ है, 8 to 10 आवर लिखा हुआ है। आपको एक राइट आंसर देना। मेरा MCQ आपसे है कि विथहोल्ड सॉलिड फूड एंड लिक्विड एज प्रिस्क्राइब टू अवॉइड एस्पिरेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स बिफोर सर्जरी विद द लोकल। मैंने आपसे पूछा लोकल, लोकल एनेस्थेसिया का पूछा है, और आप गलत आंसर दे रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। अब आप आंसर पुट करेगा, 100% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। लोकल का पूछे तो 3 आवर लिखना रे बच्चों, मैंने लोकल का पूछा है। यही तो MCQ होते हैं, दैट काइंड ऑफ MCQ विल हेल्पिंग टू डिटेक्ट हाउ यू आर फिटेड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। लोकल का मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में पर्टिकुलर जगह। यदि यही मैं आपसे पूछता कि पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया देना है, तो आपका आंसर 6 to 8 आवर होता, तो आपका आंसर 6 to 8 आवर होता है। अब अपने भेजे में इस बात को फिट कर लो, जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा वही आंसर हो। नहीं पता है, साइलेंट योर स्लिप, और जब आप एग्जैक्टली आंसर का पता करोगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। तो लोकल का पूछे तो 3 आवर लिखना, जनरल का एवरीबडी नो वेरी वेल 6 to 8 आवर, जनरल एनेस्थेसिया हमेशा सबको पता है 6 to 8 आवर। अब 24 आवर्स तो टू मच, रात को मिडनाइट से रखते हैं, मिडनाइट से इवन बच्चों हम लोग इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं तो भी हम लोग 6 to 8 आवर नील पर ऑरली रखते हैं। इन्वेजिव का मतलब वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें इंस्ट्रूमेंट आपके बॉडी में इंसर्ट करके किया जाता है, वो एंडोस्कोपी हो सकता है, वो ब्रोंकोस्कोपी हो सकता है, दीज आर द इन्वेजिव प्रोसीजर। उसमें भी हम 6 to 8 आवर NPO रखते हैं, मिड नाइट से NPO रखते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम कंडक्ट करते हैं। बट कभी ये मत लिखना लोकल में 3 आवर याद रखना, लोकल में 3 आवर याद रखना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैंग्रीन। मजेदार MCQ, गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या, गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन कॉज। देखिए गैंग्रीन जो है, एक हम पढ़ते हैं गैस गैंग्रीन, एक बच्चों हम पढ़ते हैं गैस गैंग्रीन, एक हम पढ़ते हैं बच्चों वेट गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, और एक हम पढ़ते हैं ड्राई गैंग्रीन, एक हम पढ़ते हैं बच्चों ड्राई गैंग्रीन। और गैंग्रीन का ट्रीटमेंट हमेशा एम्प्यूटेशन पढ़ते हैं हम लोग, एम्प्यूटेशन पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लॉस्ट्रिडियम नोवी, ऑप्शन लिखा हुआ है क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम, देन क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजस, देन बच्चों क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। आपको सही आंसर पुट करना है। अब यहां पर इन्होंने कोई पर्टिकुलर गैंग्रीन को नहीं पुट किया, तो आप 3 टाइप्स के गैंग्रीन देख रहे हो, गैस गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है। और ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये गैस गैंग्रीन का बन रहा है। यहां जितने भी बैक्टीरिया है ये बच्चों गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं, गैस फॉर्मिंग, ये बच्चों गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और गैस फॉर्मिंग में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। आपको लिखा है क्लॉस्ट्रिडियम नोवी लिखा है, सेप्टिकम लिखा है, परफिंजस लिखा है, बोटुलिज्म लिखा हुआ है, तो आपको सही आंसर पुट करना। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजस लिखा हुआ है,
क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजस लिखा हुआ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही होगा बच्चों, सी क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजस जो है ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी चारों ही यहाँ जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, दैट रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज गैस गैंग्रीन। मिलान, क्या बात है बच्चा, मिलान डोनेटिंग 100 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू मिलान, आप हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो और जिंदगी में आगे बढ़े, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट इज सीन इन, परसिस्टेंट का मतलब बोल सकते हैं लगातार, लगातार बोल सकते हैं, परसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों लगातार, कंसिस्टेंट। यदि आपको लगातार गिल्ट फील हो रहा है, लगातार आपको गिल्ट फील हो रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये कौन सी कंडीशन में गिल्ट फील होता है, जहां हमेशा आप लगातार खुद को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत किया मैंने, ये बहुत गलत, इसमें मेरी गलती है। इस तरीके का गिल्ट जो है वो लगातार किस में फील होता है, क्या OCD वाले पेशेंट में होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट में होता है, क्या बच्चों मेनिया वाले पेशेंट में होता है, क्या बच्चों मेनिया वाले पेशेंट होता है, क्या डिप्रेशन वाले पेशेंट होता है, या फिर सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट होता है, सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट होता है। आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन के साथ एक OCD दिया हुआ है, क्विक आंसर पुट करना। यदि कोई पर्सन लगातार गिल्ट फील कर रहा है, परसिस्टेंट गिल्ट फील कर रहा है, दैट मीन्स उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, क्या वो मैनिक पेशेंट है, क्या वो सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, क्या OCD वाला पेशेंट है, क्या वो डिप्रेशन वाला पेशेंट है। बच्चों क्या बात है, ज्यादातर बच्चे जो है वो यहां पर डिप्रेशन आंसर पुट करें, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जिसको हम बोलते हैं सैडनेस ऑफ मूड, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सैडनेस ऑफ मूड, सैडनेस ऑफ मूड। देखा होगा बीच बीच में ऐसे वायरस आते, वो सारे डिप्रेसिव पेशेंट है। आपने क्लास में देखा होगा बच्चों बीच बीच में वायरस की एंट्री होती है, उल्टे सीधे कमेंट्स लिखने, वो सारे फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है ना, उनका कहीं सिलेक्शन हुआ ना, वो पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ उनको फ्री का चाहिए, है ना। फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर मुंह मारते, फिर जाएंगे कुछ भी ना, वो अशोक सर को जानते ना, कभी मिले ना पढ़े, बट उन्होंने फॉल्स फिक्स्ड बिलीव कर रखा है, उनको डिल्यूजन हो रखा है, और सीधा आगे कमेंट्स लिखा, यहां से ब्लॉक किया, किसी और चैनल पे गए, वहां पे ब्लॉक किया, किसी और चैनल पे गए। दैट काइंड ऑफ वायरसेस नेवर गेट सक्सेस। आप पढ़े जहां पढ़ना है, एवरी टीचर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, यू शुड रेस्पेक्ट द टीचर, है ना। इस तरीके के जो फैक्टर होते हैं ना, वो पढ़ने वाले नहीं होते, ये उड़न खटोला होते हैं, जो यहां से उड़े वहां बैठ के, वहां से उड़े वहां बैठ के, जहां मौका मिला बैठ के पंचर होके चले गए। जिस बच्चे को नौकरी चाहिए, अंसारी डोनेटिंग 29 रुपीज, थैंक यू अंसारी। जिसको नौकरी चाहिए, जो अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करता, जो टीचर का रेस्पेक्ट करता, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। जो टीचर का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो मां बाप का क्या रेस्पेक्ट करेगा, है ना। तो ये सिर्फ भागने वाले उड़न खटोले होते हैं, ऐसे खटोलों को कहीं पर भी कोई हवा नहीं भरता। और जिंदगी में हमेशा कहते हैं ना, नदी के किनारे बैठे रहो, कभी तो लहर आए। आप लोग जैसे कितना हार्डवर्क करते हो, हर क्लास को अटेंड करते हो, लगातार खुद भी पढ़ते हो, क्लास भी अटेंड करते हो, क्वेरी भी पूछते हो, दैट इज हार्डवर्क, है ना। तो प्लीज उड़न खटोले जितने भी है, पहले अपने आप को सुधारो, एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की इज्जत करना सीखो, भगवान भी आपकी मदद करेगा। और जब तक आपकी नीयत खराब है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और कभी अच्छा सोच भी नहीं आया, सोचा भी है, सोच भी नहीं सकते हो, तो खेती करना स्टार्ट कर दो बच्चों। घर में खेती करो, घर का काम करो, आपका कभी भला नहीं होने वाला है। हमेशा जिंदगी में चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी क्यों ना हो, यू शुड रेस्पेक्ट इट, यू शुड रेस्पेक्ट इट। और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आई टेल यू एवरीबॉडी, आपको हर टीचर का रेस्पेक्ट करना है, मां बाप का रेस्पेक्ट करना है, सोसाइटी के लोगों का रेस्पेक्ट करना है, ना कभी किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना पीठ पीछे बोलना है, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, और आपकी मेहनत आपको एक दिन सफल व्यक्ति बनाएगी। क्योंकि सफलता तो मिलती है, उसको डाइजेशन करना भी सीखना पड़ेगा, उसके लिए IPR चाहिए, मैनर चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको पर्सनालिटी भी ग्रूम करना,
आएंगे डिसलाइक करके चले जाएंगे, दीज आर द उड़न खटोला। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव रहना है, जो करना आप ही को ना, नोबडी कैन कम टू डू, और आप जब करोगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है बच्चों, याद रखना। ऑल यू आर द पर्सन टू विन योर सेल्फ, आप वो पर्सन हो जो खुद को जिता सकते हो, खुद को जीत सकते हो, कोई और नहीं आएगा, ध्यान रखना। यू विल मेक, यू विल डेवलप योर स्ट्रेंथ टू फाइट इन एवरी सिचुएशन, दिस इज ओनली यू आर द पर्सन टू डू योर ब्राइट फ्यूचर, कोई और नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा बच्चों। लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी पूछे, एक मस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन भी आता है, मेरा एमसीक्यू बच्चों। लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्ज मसल कौन सा बच्चों, लार्ज मसल कौन सा है? ऑप्शन लिखा है ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस। दूसरा लिखा है सार्टोरियस मसल्स, तीसरा लिखा है लैटिसमस डॉर्सी मसल्स, और चौथा लिखा है स्टेपेडियस मसल्स। बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां पर मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से, कि सबसे लार्जेस्ट, मैंने हिंदी में भी लिखा है विशालतम लिखा बच्चों, मैंने हिंदी में भी लिखा है सबसे लार्ज मसल ह्यूमन बॉडी की कौन सी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपको क्विक आंसर पुट करना बच्चों, मसल्स के सारे क्वेश्चन एक साथ बताने वाला हूं। मैंने आपसे लार्जेस्ट मसल्स पूछा है, लार्जेस्ट मसल पूछा ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, बच्चों ने यहां पर सार्टोरियस लिखा हुआ है, और आपका आंसर जो है यहां पर ग्लूटियल मैक्सिमस होगा। मैंने लार्जेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है, मैंने लार्जेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है। यही गलती हम करते हैं बच्चों, यही गलती हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। ग्लूटियल मैक्सिमस को लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं, और बदमाश बच्चों सार्टोरियस को लॉन्गेस्ट कहते हैं। ये डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपको। मैंने ग्लूटियल मैक्सिमम को लार्जेस्ट लिखा, याद रखने का तरीका, मैक्सिमस का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमस का मतलब याद रखिएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम से याद रखना लार्ज, लार्जेस्ट, और लॉन्गेस्ट पूछे तब लिखना बच्चों सार्टोरियस, तब लिखना सार्टोरियस। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर देना, क्वेश्चन बनेगा मसल से पूछेंगे आपको, गलत नहीं होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप पेपर अटेंड करो। मैंने क्लियर लिखा है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, दोनों कॉन्सेप्ट फिर से कह रहा हूं, मैक्सिमस वर्ड से याद रखना लार्ज, और बचा कौन सा सार्टोरियस, सार्टोरियस क्या होगा लॉन्गेस्ट होगा, क्या होगा लॉन्गेस्ट होगा। प्लीज क्लियर योर डाउट राइट नाउ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लैटिसमस डॉर्सी को कहते हैं वाइडेस्ट, वाइडेस्ट जो है चौड़ा, दैट वी कैन से लैटिसमस डॉर्सी मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम वाइडेस्ट मसल्स कहेंगे बच्चों, वाइडेस्ट मसल्स। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। एक और खास बात, एक और खास बात देखिए, स्टेपेडियस मसल्स जो है जिसको हम स्मॉलेस्ट मसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट मसल्स कहते हैं, और इसका डायमीटर देखिए बच्चों 1 mm का होता है, 1 mm का, देखिए कितनी छोटी ये मसल्स होती है, ईयर में लोकेटेड होती है, ईयर में, दैट मसल्स वी कैन से स्टेपेडियस मसल्स, बोन वी कैन से स्टेपिस बोन, जिसको हम स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो ये क्वेरी आपको याद रखना बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, वाइडेस्ट कौन सा है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पेशेंट इज अ सुपाइन, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, एंड द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 टू 60 डिग्री, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे। पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो एलिवेटेड है, मतलब ये पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, और ये हेड ऑफ द बेड जो एलिवेटेड है, ये आपका 45 टू 60 डिग्री पे एलिवेटेड है, इस पोजिशन का नाम क्या होगा। क्या हम सेमी फाउलर कहेंगे, क्या हम फाउलर पोजिशन कहेंगे, क्या हम सिम्स पोजीशन कहेंगे, क्या हम हाई फाउलर पोजीशन कहेंगे। फटाफट आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, सही आंसर पुट करिएगा कि विच इज द पोजीशन वी कैन नो जिसमें हेड ऑफ द बेड 45 टू 60 डिग्री पे एलिवेट करना है, 45 टू 60 डिग्री पे एलिवेट हेड किया हुआ है। क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों, क्विक लिखिएगा, कुछ फाउलर कुछ सेमी फाउलर। मैं क्लियर करना चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट बच्चों, आपका आंसर सही है फाउलर पोजिशन, फाउलर पोजीशन। देखना यदि पेशेंट का हेड जो है वो 15 टू 30 डिग्री पे एलिवेटेड है, इसको हम बच्चों लो फाउलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लो फाउलर पोजीशन। यदि पेशेंट का हेड जो है वो 30 टू 45 डिग्री पे एलिवेटेड है तो इसको हम सेमी फाउलर बोलते हैं बच्चों, सेमी फाउलर पोजीशन बोलते हैं। यदि पेशेंट का हेड जो है
वो 45 to 60 डिग्री पे है, तो क्वेश्चन में मैंने आपको पुट किया है। इसको बच्चों हम लोग फाउलर पोजीशन बोलते हैं, और वही पेशेंट का हेड जो है वो 80 to 90 डिग्री पे एलिवेटेड है, इसको बच्चों हम लोग हाई फाउलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई फाउलर पोजीशन बोलते हैं। तो फाउलर की चार कैटेगरीज होती है, फाउलर की चार कैटेगरीज होती है, लो फाउलर, सेमी फाउलर, फाउलर और वी कैन से हाई फाउलर। तो आपका आंसर यहां पर बच्चों फाउलर पोजिशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर फिफ्थ वाइटल साइन। देखिए वाइटल साइन को बोलते हैं प्राण मूल चिन्ह, प्राण मूल चिन्ह। क्वेश्चन बोलते हैं कंसिडर द फिफ्थ वाइटल साइन, हम किसको कंसिडर करते हैं? क्या पेशेंट का हाइट एंड वेट को कंसिडर करते हैं? क्या हम पेशेंट के रेस्पिरेशन को कंसिडर करते हैं? क्या बॉडी मास इंडेक्स को कंसिडर करते हैं? या पेशेंट को जो पेन है उसको कंसिडर करते हैं? बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा कि हम किसको फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर करते हैं। माई लविंग फाइटर्स, फिफ्थ वाइटल साइन जो हम किसको कंसिडर करते हैं? क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा। आपको अच्छे से पता है टेम्परेचर, आपको अच्छे से पता है टेम्परेचर, पल्स, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और वी कैन से ब्लड प्रेशर, वी कैन से ब्लड प्रेशर। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टीपीआर बीपी जो है ये चार तो वाइटल साइन हो गए, पांचवें नंबर पे कौन है? दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, वी कैन कंसिडर फिफ्थ वाइटल साइन। एक और क्वेश्चन, इन इमरजेंसी याद रखना बच्चों, इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन होगा? आंसर पुट करिएगा बच्चों, इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन होगा? क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है, आई वांट राइट आंसर। यदि कोई इमरजेंसी है उसमें हम फिफ्थ वाइटल साइन किसको कंसिडर करेंगे? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, सुक्रिया प्रीति, इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। यदि पेशेंट इज इन इमरजेंसी कंडीशन, इज अ क्रिटिकल कंडीशन, तो हम फिफ्थ वाइटल साइन किसको कंसिडर करेंगे? फटाफट आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा, इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। यस, इमरजेंसी में पूछे हैं तो आपको आंसर क्या लिखना? प्यूपिल रिस्पॉन्स। क्या लिखना बच्चों? प्यूपिल रिस्पॉन्स। ये हम कंसिडर करते हैं इमरजेंसी में। तो दो एमसीक्यू यहां पर बना, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है फिफ्थ वाइटल साइन, आपको आंसर पे लिखना है। इमरजेंसी में प्यूपिल रिस्पॉन्स को कहते हैं बच्चों, याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करिएगा। प्यूपिल रिस्पॉन्स इज इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा यदि मैं अदर वाइटल साइन की बात करता हूं, प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन एग्जाम में आता है अदर वाइटल साइन में, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि फिक्स डायलेटेड प्यूपिल किस में होता है? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमीडिएट डेथ। अभी अभी पेशेंट की डेथ हुई है, वो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का प्यूपिल क्या होगा? फिक्स होगा और डायलेटेड होगा, फिक्स होगा और डायलेटेड होगा। दूसरा बच्चों, स्किन कलर को भी हम कंसिडर करते हैं, हम लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस का भी कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम में O2 सेचुरेशन आपसे पूछेंगे, आपको अडल्ट का पूछते हैं, आपको अडल्ट के अलावा इन्फेंट का पूछेंगे, इन्फेंट के अलावा आपको चिल्ड्रन का पूछेंगे। तो लिखना मोर देन 95% या लिखना बदमाश बच्चों 96 to 100%, ये राइट आंसर होगा। ये O2 सेचुरेशन, ये O2 सेचुरेशन है, एज के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन, तो उसमें फर्दर क्या क्या वाइटल साइन इसमें एक O2 सेचुरेशन है, नियोनेट में 91% से ज्यादा होता है और साइनोटिक हार्ट डिजीज में मोर देन 60% होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ हीट बाई, देखिए बच्चों आपने वर्ड सुना होगा थर्मोलाइसिस, एक थर्मोलाइसिस सुना होगा, एक थर्मोजेनेसिस सुना होगा, थर्मोजेनेसिस सुना होगा बच्चों। थर्मोजेनेसिस जो है हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म, हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। थर्मोलाइसिस जो है ये हीट लॉस का मैकेनिज्म बच्चों, हीट लॉस का मैकेनिज्म है, और ये हीट लॉस जो है वो ज्यादातर स्किन के द्वारा होता है बच्चों। तो दो टर्म्स लिखा है, थर्मोजेनेसिस लिखा है, थर्मोलाइसिस लिखा है, बट मेरा एमसीक्यू आपसे कि मैक्सिमम हीट लॉस किसके द्वारा होता है? क्या कंडक्शन के द्वारा होता है, क्या कन्वेक्शन के द्वारा होता है, क्या इवापोरेशन के द्वारा होता है, और या फिर हम रेडिएशन के द्वारा कंसिडर करते हैं? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, चारों में से एक को आपको राइट पुट करना है कि मैक्सिमम हीट ह्यूमन बॉडी से कौन से मैकेनिज्म के द्वारा लॉस होती है, कौन से मैकेनिज्म के द्वारा लॉस होती है बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से एक राइट आंसर पुट कर, मैं मैक्सिमम भी बताने वाला हूं, मैं आपको मिनिमम भी बताने वाला बच्चों। रेडिएशन आपने लिखा है, रेडिएशन आपका सही आंसर है बिल्कुल, 60% 60% हीट जो है वो रेडिएशन के द्वारा लॉस होता है, 15% जो है तो 3% कंडक्शन,
15% कन्वेक्शन और 22% इवापोरेशन। तो बच्चों कंडक्शन के द्वारा मिनिमम हीट लॉस होता है, याद रखना ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मिनिमम हीट लॉस किसके द्वारा होता है। एक और खास बात, हाइपोथैलेमस जो है आर रिस्पॉन्सिबल, इसको कहते हैं हीट रेगुलेटरी सेंटर या टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, बोलो सबसे बेस्ट है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। और ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर में भी एंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होगा। एंटीरियर जो है वो हीट लॉस को रेगुलेट करता है और पोस्टीरियर जो है वो हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट कौन करता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हीट लॉस को कौन करता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। और हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन है बच्चों? हाइपोथैलेमस। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कलर्ड प्रोब ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आर इंडिकेटिव। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की कलर प्रोब पे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से कलर के प्रोब वाला थर्मामीटर कौन सा होगा, कौन से प्रोब का। मैं लिखा बच्चों, ब्लू एंड रेड आर बोथ फॉर ओरल, ब्लू इज फॉर रेक्टल, रेड फॉर द ओरल, ब्लू इज फॉर ओरल, रेड फॉर द रेक्टल, और ब्लू एंड रेड आर बोथ फॉर रेक्टल। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान और थोड़ा ट्रिकी है, आसान भी है ट्रिकी है। कलर्ड प्रोब ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आर इंडिकेटिव, क्या इंडिकेट करता है, कौन सा कलर कौन से थर्मामीटर को इंडिकेट करता है बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने ब्लू और लिखा है, रेड को रेक्टम लिखा है, ब्लू को और लिखा है, रेड को रेक्टम लिखा है। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। सी आंसर आ रहा किसी का, डी भी आ रहा, बी भी आ रहा है। आई वॉन्ट सिंगल आंसर, डोंट पुट मैक्सिमम। आई वॉन्ट सिंगल आंसर, विच इज द राइट आंसर। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। सी बिल्कुल सही, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। ब्लू जो है ये आपका ओरल हो गया, इजी है। और रेड से याद रखो रे बदमाश बच्चों, रेक्टम। रेड से याद रखना रेक्टम। एक को जब हम याद कर लेंगे तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। ब्लू फॉर ओरल इट्स ओके, रेड फॉर रेक्टम, रेड फॉर रेक्टम, आर से रेड, आर से रेक्टम बच्चों। ओके फाइन, इवन ओरल थर्मामीटर पूछते कभी कभी ग्लासवेयर, कभी कभी ग्लासवेयर थर्मामीटर की बात करते हैं तो ग्लासवेयर जो थर्मामीटर होता है, देखिए ग्लासवेयर जो थर्मामीटर होता है लाइक दैट, जब किसी पेशेंट के थर्मामीटर का बल्ब, जो ये बल्ब होता है बच्चों, बल्ब होता है, ये स्टेम होता है, ये स्टेम होता है, और बल्ब जब सिलेंड्रिकल है, बल्ब कैसा है बच्चों, सिलेंड्रिकल, बल्ब सिलेंड्रिकल का मतलब लॉन्ग है, बल्ब लॉन्ग है तो मतलब समझ जाना ओरल है, समझ जाना बच्चों ओरल है। और ओरल, बाकी मैंने आपको रेक्टल की बात करें तो बल्ब जो कैसा होगा, ब्लंट होगा। बल्ब कैसा होगा ऐसा बच्चों, ब्लंट होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका थर्मामीटर है, ये आपका थर्मामीटर इस तरीके से आगे से ब्लंट होगा, समझ जाना वो बच्चों रेक्टल थर्मामीटर है। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो हमें नहीं पता था कि ओरल कौन सा, रेक्टल कौन सा, ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। हमें इतना पता था कि इसको थर्मामीटर बोलते हैं, इसको थर्मामीटर बोलते हैं, तो इस थर्मामीटर को हम ओरल भी लेते थे और रेक्टल भी लेते थे। बट याद रखना बच्चों, रेक्टल ओरल में फर्क होता है। रेक्टल वाला थर्मामीटर आगे से ब्लंट होगा, आगे से ब्लंट होगा, ओरल वाला थर्मामीटर आगे से सिलेंडर होगा, आगे से सिलेंडर शेप होगा। आज के बाद ये क्वेरी दोबारा होती है तो गलत नहीं करना बच्चों आप। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इफ बाउंडिंग पल्स इज प्रेजेंट इज इंडिकेटिंग द ग्रेड। देखिए ग्रेडिंग ऑफ पल्स पूछा है, ग्रेडिंग ऑफ पल्स मैंने आपसे पूछा है कि बाउंडिंग पल्स यदि प्रेजेंट है तो कौन सी ग्रेड ऑफ पल्स को इंडिकेट करेगी, कौन सी ग्रेड ऑफ पल्स को इंडिकेट करेगी। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, 1+, 2+, 3+, 4+, कौन सी ग्रेड को इंडिकेट करेगी बाउंडिंग पल्स। बड़ा आसान एमसीक्यू है, बड़ा आसान एमसीक्यू, सोच के आंसर पुट करने की जरूरत है। और ये इस तरीके के ट्रिकी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। बाउंडिंग पूछा, बाउंडिंग पल्स, क्या बात है, क्या बात है। 4+ सब बच्चे लिख रहे हैं, 3+ भी लिख रहे हैं, 2+ भी लिख रहे हैं। अरे मुझे तो एक आंसर चाहिए, चारों में से एक आंसर राइट पुट करेगा जो सच में सही है, जो सच में सही है। और जिन्होंने भी यहां पर 4+ लिखा है उसका आंसर सच में सही है, सच में सही है 4+। एक्चुअली क्या होता है, जीरो ग्रेड कब देंगे, जब पेशेंट की पल्स जो है अब्सेंट होगा। पल्स अब्सेंट कब होगा, जब पेशेंट भगवान के पास जा चुका होगा,
डेथ हो चुकी होगी. नो पल्स का मतलब जीरो ग्रिट. जब पल्स ही नहीं है तो हम प्लस क्यों करें. बट यदि वन प्लस देना है तो थ्रेडी पल्स होगी. थ्रेडी को बच्चों आप बोल सकते हो वीक वायरी पल्स. वीक वायरी बोल सकते हो. और वीक वायरी जो है शॉक वाले पेशेंट में हो सकता है. शॉक वाले डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में हो सकता है. डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण बोलते हैं. निर्जलीकरण तो शॉक वाले पेशेंट में डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में बॉडी में वॉल्यूम कम होगा. तो वॉल्यूम कम होगा तो आर्टरीज में वॉल्यूम कम होगा. तो पल्स जब हम डिटेक्ट करते हैं तो वीक पल्स फाइंड आउट होती है. तो दैट वीकल्स वन प्लस. क्या बोलेंगे वन प्लस. और नॉर्मल में बच्चों टू प्लस. नॉर्मल जो पल्स होती है दैट वी कैन कंसिडर टू प्लस. वी ऑलवेज कैन कंसिडर नॉर्मल. थ्री प्लस में फुल पल्स होगा स्लाइटली इंक्रीज. पर बाउंडिंग जो है वो फोर प्लस में होता है बच्चों. फोर प्लस में जब आप बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हो या आपको बहुत एंजाइटी हो रही हो या इवन डर लग रहा हो तो आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर आपको पल्स जो है वो बाउंडिंग सुनाई देगा. समझ जाना ये फोर प्लस ग्रेडिंग की पल्स है. कितना प्लस ग्रेडिंग की बच्चों. फोर प्लस ग्रेडिंग की पल्स है. ये डिफरेंस याद रखिएगा एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के ऑनलाइन कोर्स पे गांधी जयंती के शुभ अवसर पर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को डिस्काउंट ऑफर रिलीज किया है. देखिए ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2-5 अक्टूबर तक ऑफर है बच्चों. 2-5 अक्टूबर तक ऑफर है. प्राइस अब आपका यहां पर हो गया है 5999. इस कोर्स के लिए 1200 प्लस क्लासेस यहां पर रिकॉर्डेड है. प्लस 4000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे नर्सिंग का. सारे सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके रीजनिंग को मैथ्स को इंग्लिश को जीके को इवन बच्चों इमरजेंसी नर्सिंग को आईसीयू ओटी इमेज बेस्ड. और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की है बच्चों. ये कोर्स आपको मिलेगा जिसमें वन कोर्स फॉर वन नेशन. इस कोर्स के बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप दे सकते हो. चाहे वो एग्जाम CHO चाहे CRPF हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे NORSET हो चाहे ESIC हो चाहे RRB हो चाहे PGI चंडीगढ़ हो. कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो. पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं बच्चों पूरा कोर्स इसमें डाला हुआ है. अभी तक हाईएस्ट क्लासेस इसमें पुट किया हुआ है. सिंपल तरीका प्ले स्टोर पे जाइएगा JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करिएगा मेल आईडी से लॉगिन करिए और इस कोर्स को आप परचेज करें. या फिर सिंपल तरीका बच्चों 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करें और आप इस कोर्स को परचेज करें. और इस कोर्स के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई फर्दर कोर्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों. ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड केयर कितने हैं. बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड केयर मैंने आपसे पूछा है 8 होंगे या 10 होंगे या 12 होंगे या 14 होंगे. ये पीडियाट्रिक का MCQ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों. बेसिक राइट का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड केयर कितने होते हैं. फटाफट आपको आंसर पुट करना होगा. क्विक आंसर पुट करना होगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ABCD 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया है. 4 ऑप्शन आपको बताया बच्चों. क्लास के लास्ट में बताऊंगा हाउ टू क्रैक UPSC स्टाफ नर्स एग्जाम. जुड़े रहिएगा जयंती परिवार के साथ. 4 ऑप्शन है बच्चों. ज्यादातर ने 10 लिखा. 10 सही है. एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कि ये डिक्लेयर कब हुआ राइट ऑफ चाइल्ड. ये 20th नवंबर 1959 हुआ. और 10 राइट है यहाँ पर बच्चे के. राइट को हमेशा रेस्पेक्ट करना है. राइट को हमेशा वैल्यूज मॉरल राइट को रेस्पेक्ट करना बच्चों. ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लाइंट इज रिसीविंग फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूशन. पेशेंट पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन को रिसीव कर रहा है. Packed RBC, how long should the nurse stay and monitor the client to ensure the transfusion reaction will not happen? मतलब पहली बार किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है. डियर नर्स को कितने टाइम तक उसके साथ रहना है ये इंश्योर करना है कि अब पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा. रिएक्शन नहीं होगा. देखिए 15 मिनट तक 30 मिनट तक 45 मिनट तक और 60 मिनट तक. कितने ड्यूरेशन तक पेशेंट के साथ स्टे करना है. अश्योर करना है कि अब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन नहीं होगा. क्योंकि जैसे ही पेशेंट का जो डोनर का ब्लड है
वो ब्लड जो है रिसीवर के ब्लड से जुड़ेगा। जैसे डोनर का ब्लड रिसीवर के ब्लड में मिलेगा तो इनिशियल जो 15 मिनट का टाइम होता रिस्क टू डेवलप एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, रिस्क टू डेवलप एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन 15 मिनट, ये क्रूशियल पीरियड होता है व्हेन रिसीवर आर रिसीव ब्लड फ्रॉम द डोनर, और दोनों का ब्लड जब मिक्स होता है तो 15 मिनट का ये ड्यूरेशन है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन की, वो सबसे रिस्की टाइम होता है। इस टाइम डियर नर्स को पेशेंट के साथ स्टे करना है, फाइंड आउट करना है ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत उसको ट्रीट करना है, कॉल द फिजिशियन, जो भी फर्दर स्टेप्स लेता है, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइक दैट। क्वेश्चन कहता है कि बैंडेज इंडिकेट इन द कॉलर बोन फ्रैक्चर। अब यहां पर मैंने चार टाइप्स की बैंडेज लिखी है, कौन सी बैंडेज जो हम कॉलर बोन के फ्रैक्चर में यूज करते हैं। देखिए ये जो क्लेविकल बोन है बच्चों, क्लेविकल बोन को ही हम कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, और इसी बोन को बच्चों हम ब्यूटी बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं, और इसी बोन को बच्चों हम लोग हॉरिजेंटल बोन भी कहते हैं, हॉरिजेंटल बोन भी कहते हैं, हॉरिजेंटल बोन। यदि इस बोन में फ्रैक्चर होता है तो हम कौन से टाइप्स ऑफ बैंडेज को यूज करते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ बैंडेज को यूज करते हैं। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबडी। हम कौन सा बैंडेज यूज करेंगे, कौन सा बैंडेज। शुक्रिया प्रदीप वर्मा, थैंक यू सो मच बच्चा। चार ऑप्शन है, कैप्लिन स्पाइरल फिगर ऑफ एट और स्प्लिंट। देखिए कैप्लिन क्यों लिख रहे हैं बेटा, बीबी तनिषा, कैप्लिन, कैप्लिन जो है हेड की ड्रेसिंग में यूज करते हैं, हेड की ड्रेसिंग में साफा बांध देते हैं ना कैप्लिन में, दैट वी कैन से हेड की ड्रेसिंग में होती। पूनम यादव, डोंट वेरी रिलैक्स बच्चा, स्पाइरल फिगर ऑफ एट सही होगा, फिगर ऑफ एट जो है वो हमेशा हम यूज करते हैं क्लेविकल और कॉलर बोन के फ्रैक्चर, क्लेविकल और कॉलर बोन के फ्रैक्चर में वी कॉमनली कंसिडर दैट वी कैन से फिगर ऑफ एट बैंडेज। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इनफर्टिलिटी इज व्हेन कपल फेल टू कंसीव आफ्टर। हम कब बोल सकते हैं कि कपल में किसी एक को इनफर्टिलिटी है, व्हेन वी कैन से। शुक्रिया सुजीता अटारिया, शुक्रिया बच्चा। व्हेन वी कैन से इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनफर्टिलिटी इज व्हेन ए कपल फेल टू कंसीव आफ्टर 4 डे ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, 3 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। हम कब कह सकते हैं कि द कपल डज हैव इनफर्टिलिटी, कब कह सकते हैं बच्चों। चार ड्यूरेशन मैंने मेंशन किया, आपको एक आंसर पुट करना है कि कब तक कंसीव नहीं करते तो वी कैन कंसीडर इनफर्टिलिटी, वी कैन कंसीडर इनफर्टिलिटी। बच्चों देखिए ज्यादातर बच्चों ने 1 ईयर लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चों ने 1 ईयर लिखा, बिल्कुल सही। 1 ईयर तक यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है कपल एक दूसरे के साथ और तब तक यदि कंसीव नहीं होता है तो बच्चों समझ जाना इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इनफर्टिलिटी हम कंसीडर करते हैं यदि एक साल तक कपल्स ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया फिर भी कंसीव नहीं हुआ, दे नीड टू कंसीडर कंसर्न विद द डॉक्टर to find out what the problem happened. Next question कहता है कि the physician ordered dextrose 5% in water, 1000 ml to be infused over 8 hours. The IV tubing deliver 15 drop per ml. Nurse John should run the IV infusion at the rate of. मतलब ये question fluid calculation का, ये MCQ fluid calculation का है कि physician ने order किया dextrose 5%, कितना है बच्चों 1000 ml, 1000 ml administer किया है, ड्यूरेशन इन्होंने दिया है 8 आवर्स में और ड्रॉप फैक्टर इन्होंने दिया है 15 ड्रॉप पर मिनट। ये तीन पैरामीटर आपके साथ है, मुझे आप आंसर बताएं, आंसर 30 ड्रॉप आएगा, 32 आएगा, 20 आएगा या 18 ड्रॉप आएगा। अब आप आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, फ्लूड कैलकुलेशन के फॉर्मूले को यूज करिएगा बच्चों, फ्लूड कैलकुलेशन के फॉर्मूले को यूज करिएगा बदमाश बच्चों। फ्लूड कैलकुलेशन क्या कहता है कि टोटल फ्लूड वॉल्यूम, फॉर्मूला कहता है टोटल फ्लूड वॉल्यूम, उसके बाद लिखा बच्चों डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर,
टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉ फैक्टर। तो फटाफट आपको आंसर लिखना है, आसान एमसीक्यू, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कितना ड्रॉ पर मिनट देंगे, कितना ड्रॉ पर मिनट देंगे बच्चों? ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 32 लिखा, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, 31 पॉइंट समथिंग होगा, दैट मीन कैन से 32। टोटल फ्लूइड वॉल्यूम को डिवाइड करना, टाइम इन मिनट इनटू करना ड्रॉ फैक्टर। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एक एमसीक्यू आपको ऐसा मिलेगा, श्योरली मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल हॉट वाटर बैग विद वाटर ऑफ, मतलब ये पेशेंट का हॉट वाटर बैग है, इसमें हम कितना वाटर भरेंगे, हम कितना वाटर भरेंगे फॉर द हॉट एप्लीकेशन। ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों 1/4, 1/3, 2/3 या तीनों सही है। हॉट वाटर बैग में हम कितना वाटर फिल करेंगे, कितना वाटर फिल करेंगे, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। हॉट वाटर बैग की बात कर रहा हूं, पेशेंट को हम हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं, पेशेंट को हम हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं, और हॉट एप्लीकेशन देते समय हॉट वाटर बैग में कितना वाटर भरा जाएगा? ज्यादातर बच्चों ने 1/3 लिखा, किसी ने 2/3 लिखा है, मिक्स आंसर आज सीख लीजिएगा बच्चों। 2/3, दो तिहाई लगभग 2/3, 2/3 फ्लूड हम भरेंगे। ताकि क्यों 2/3 क्यों भरते हैं, जैसे हम किसी एक्सट्रीमिटीज पे हॉट वाटर बैग को रखेंगे तो वो प्रॉपर उस एक्सट्रीमिटीज तक तभी पहुंचेगा जब उसके अंदर स्पेस होगा वाटर को मूव करने का। इसीलिए हम जब भी पेशेंट को हॉट वाटर बैग को फिल करते हैं तो बच्चों 2/3 फिल करते, दो तिहाई, नॉट वन थर्ड बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ लॉन्ग शुड द सक्शन प्रोसीजर लास्ट, सक्शन प्रोसीजर जो है लास्ट कब तक कंटिन्यू करते हैं, क्या 40 सेकेंड तक करते हैं, क्या 30 सेकेंड तक करते हैं, क्या 10 सेकेंड तक करते हैं, क्या हम 5 सेकेंड तक करते हैं? फटाफट आंसर सही लिखिएगा बच्चों। मैंने पूछा है हाउ लॉन्ग सक्शन प्रोसीजर, कितना समय तक करते हैं, जैसे नेजोफेरिंजियल सक्शन बाय द नोज, ऑरोफेरिंजियल सक्शन बाय द माउथ, ट्रेकियोस्टॉमी सक्शन बाय द ट्रेकियोस्टॉमी, एंडोट्रेकियल सक्शन बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, 10 सेकंड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों मैं बताना चाहता हूं, नोज के द्वारा जब भी हम सक्शन करेंगे तो नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रखना। माउथ से करेंगे अगेन बच्चों, नॉट मोर देन 10 सेकंड, बिल्कुल सही। ट्रेकिस्टॉमी के द्वारा करेंगे तो भी नॉट मोर देन 10 सेकंड, और यदि एंडोट्रेकियल के करेंगे तो याद रखना आपको आंसर लिखना है 15 सेकंड। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, जब भी आपसे पूछे कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा सक्शन करें तो ड्यूरेशन कितना होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब का ड्यूरेशन जो होगा वो 15 सेकंड का होगा, 15 सेकंड का होगा बच्चों। दूसरी बात, डॉक्टर ने जब नोज भी लिखा है माउथ भी लिखा है तो पहले हम किसको प्रीफर करेंगे, पहले हम माउथ को प्रीफर करेंगे। डॉक्टर ने दोनों साइड लिखा है, नोज के द्वारा सक्शन भी लिखा है, माउथ के द्वारा सक्शन भी लिखा है, तो पहले हम सक्शन किसको प्रीफर करेंगे, ऑरोफेरिंजियल बच्चों, कौन सा करेंगे, ऑरोफेरिंजियल प्रीफर करेंगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और याद रखना जब हमने किसी पेशेंट का 10 सेकेंड सक्शन किया फिर हमने उस पेशेंट को 20-30 सेकेंड का क्या देना बच्चों, इंटरवल देना है। फिर आपने 10 सेकेंड सक्शन किया फिर आपको 20-30 सेकेंड का इंटरवल देना है, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये 5 मिनट तक रिपीट कर सकते हैं, 5 मिनट तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि इंटरवल के साथ हम कितना मिनट तक सक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आंसर आपको 5 मिनट, बट इंटरवल याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्कोर ऑफ द ब्रेंडन स्केल इंडिकेट एट रिस्क ऑफ बेड सोर। ब्रेंडन स्केल जो है, ब्रेंडन स्केल का काम है असिस, इसका काम है बच्चों असिस द लेवल ऑफ बेड सोर, लेवल ऑफ बेड सोर मतलब पेशेंट को बेड सोर कौन सा स्टेज पे है उसका पता लगाने के लिए
हम ब्रेंडन स्केल का यूज करते, एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्रेंडन स्केल का यूज करते हैं, बट ब्रेंडन स्केल से हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट जो है इट एट रिस्क टू डेवलप बैड सोर, मतलब पेशेंट को बैड सोर डेवलप हो सकता है, बैड सोर डेवलप हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑप्शन लिखा है लेस देन 9, 1 to 12, 13 to 14, 15 to 18 एमसीक्यू आपके सामने है, कितना स्कोर होगा वी कैन कंसिडर कि पेशेंट को रिस्क है बैड सोर डेवलप होने का, रिस्क है बैड सोर डेवलप होने का। बच्चों ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने, आपको एक राइट आंसर पुट करना है, एक राइट आंसर पुट करना, फटाफट लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा बच्चों। आई वॉज पुटेड ऑप्शन अनुष्का गुप्ता बच्चा बटा, और स्कोर बताइएगा, स्कोर बताइएगा। मैंने मिनिमम मैक्सिमम, अरे आपसे पूछा हुआ आंसर लिखो ना रे, आपके पास खूब नॉलेज है, यू आर टू मच नॉलेजेबल स्टूडेंट, मुझे कोई शक नहीं आप पे, बट जो पूछा है वो लिखने की आदत डालो, नहीं आ रहा है तो आसपास क्यों लिख रहे हो, एग्जाम में तो आपसे भी व्हाट्स योर नेम, तो नेम ही बताना, चाचा ताऊ का नाम बताओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अपना नाम बताना होगा तभी सिलेक्शन होगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसके ऑप्शन का आंसर आपको आता है, दैट मींस यू आर सिलेक्टेड, बट आप उसके चाचा ताऊ के नाम मत बनाओ, ये होता है फलाना होता है, मुझे पता है, यू नो वेरी वेल, आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्डवर्क आपने किया है, बट आई वॉन्ट राइट आंसर, आई वॉन्ट राइट आंसर वॉट आई पुट इट। हाँ ये हुई ना बात, अब आने लग गया नो आइडिया, आने लगे नो आइडिया, मुझे पता था आंसर नहीं आता तो चाचा ताऊ नाना नानी सबको बुलाते हैं, मैंने पूछा उसका आंसर देना सीखिएगा। बिल्कुल सही बच्चों, 13 to 14 लेस देन 9 नहीं होगा, मैं क्लियर करना चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट, नहीं आइडिया है, आइडिया डेवलप करिएगा, आइडिया डेवलप करिएगा। जब हम ब्रेंडन स्केल को यूज करते हैं तो याद रखना इस स्केल का जो मिनिमम जो स्कोर होगा वो 6 होगा, और स्केल का मैक्सिमम जो स्कोर होगा वो 23 होगा, याद रखिएगा, मिनिमम स्कोर जो है 6 होगा, मैक्सिमम स्कोर जो है वो 23 होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली 6 मिनिमम 23 मैक्सिमम आपके सामने पुट किया हुआ है, यदि स्कोर लेस देन 9 है वेरी हाई रिस्क, मैंने क्या पूछा एट रिस्क, मैंने क्या पूछा एट रिस्क, मेरा ये क्वेश्चन था आपको और आपने लिखा लेस देन 9, वेरी हाई रिस्क होगा, यदि ये 10 से 12 होगा तो हाई रिस्क होगा, और मैंने कहा था 13 से 14 होगा ये मॉडरेट होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं एट रिस्क। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, एट रिस्क का मतलब जब 13 से 14 स्कोर होगा तो पेशेंट इज रिस्क टू डेवलप बैड सोर, और जितना स्कोर बढ़ेगा उतना चांस कम होगा, और 19 से ज्यादा होते ही समझ जाना कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क टू डेवलप बैड सोर, कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क टू डेवलप बैड सोर। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने सारे पैरामीटर ब्रेंडन स्केल के सारे स्कोर को आपके सामने लिखा है, कितना होगा तो कितना कहेंगे, कितना होगा तो कितना कहेंगे, लेस देन 9, 10 to 12, 13 to 14, 15 to 18, मोर देन 90। बिल्कुल सही, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन द नर्स डेलीगेट्स टू एंसिलरी स्टाफ रिगार्डिंग द इंसर्शन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन एल्डरली पेशेंट। मतलब ये है एक एल्डरली पेशेंट है, एल्डरली का मतलब मोर देन 65 ईयर का पेशेंट है, और इस पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है, तो डियर नर्स जो है एंसिलेटरी नर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देगी, क्या इंस्ट्रक्शन देगी, मैंने ऑप्शन में लिखा है पोजिशनिंग द पेशेंट इन द हाई फाउलर पोजिशन, ऑप्शन लिखा है असिस्टिंग द पेशेंट एब्डोमन फॉर बाउल साउंड, सी में लिखा है डिटरमाइनिंग एनी हिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लेन नोज ब्लीड, डी में लिखा है एजुकेटिंग द पेशेंट रिगार्डिंग द नीड फॉर द इंटरवेंशन। आपको सही आंसर लिखना है, क्या सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन द नर्स डेलीगेट टू एंसिलरी स्टाफ रिगार्डिंग इंसर्शन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। शुक्रिया इकबाल, थैंक यू सो मच। चार ऑप्शन आपके सामने, आप क्विक आंसर पुट करिएगा, चारों में से एक को राइट आंसर है जो आपको ढूंढना है, जो आपको ढूंढना, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही, जिन्होंने ए लिखा है क्योंकि यहां एक वर्ड लिखा हुआ है हाई फाउलर पोजिशन, और याद रखना बच्चों जब हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, जब हम राइस ट्यूब को देखिए, देखिए बच्चों ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब
जब हम राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस समय पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी देते हैं बच्चों? हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। और हाई फाउलर जो पोजीशन है वो 80-90 डिग्री एंगल पे होता है, किसी को कोई डाउट? दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीडिंग, ये क्वेश्चन देखना, जब पेशेंट को आप फीडिंग को एडमिनिस्टर करोगे उस समय सेमी फाउलर और वीकेन से हम फाउलर पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना और आई होप कि आप सही आंसर पुट कर पाए। नेक्स्ट लिखा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एस्टेब्लिश इन द फॉर केयर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। जुवेनाइल का मतलब होता है, जुवेनाइल वर्ड कहीं भी आता तो विल इंडिकेटिंग चाइल्ड। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? क्या 1998 में हुआ, क्या 1999 हुआ, क्या ना 2000 में हुआ या 2002 में हुआ? जुवेनाइल जस्टिस ज्यादा पुराना नहीं है बच्चों, बहुत रिसेंट का, ज्यादा पुराना नहीं है। बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, ये कब स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर अलग अलग ईयर लिखा, देखिए आंसर के अंदर देखें। शुक्रिया अनुष्का, बिल्कुल बेटा 2000 में ये एक्ट स्टार्ट हुआ, मैं बताना चाहता हूं। और फिर अबंडेंड कब किया? 2006 में। फर्दर संशोधन कब किया? 2006 में। 2000 ये एक्ट बन गया था, इंप्लीमेंट भी कर दिया, एस्टेब्लिश भी कर दिया, बट लगभग 6 साल बाद में इसमें फर्दर मोडिफिकेशन किया। थैंक यू अनुष्का, फर्दर मोडिफिकेशन। अबंडेंड देखिए, जहां पर अबंडेंड लिखा हुआ इसका मतलब होता संशोधन, इसका मतलब होता है बच्चों संशोधन। नेक्स्ट देखा ग्रोथ चार्ट का यूज क्या, ग्रोथ चार्ट का उपयोग क्या, पीडियाट्रिक का एमसीक्यू, ग्रोथ चार्ट इज यूज फॉर, कहां यूज करते हैं, क्या ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, क्या डायग्नोस्टिक टूल के लिए यूज करते हैं, क्या टूल फॉर एक्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर ये तीनों सही है। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ग्रोथ चार्ट, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है, उस ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट का यूज क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट का यूज क्या, ये क्वेश्चन है बच्चों। एक तो बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, या पेशेंट को डायग्नोस करने में यूज करते हैं बच्चों में, या उस कंडीशन पे एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। तीन को मैंने एक साथ भी लिखा है कि ये तीनों भी सही हो सकते हैं, इसलिए आपको सही आंसर पुट करना है। शुक्रिया डॉक्टर सोनम, बिल्कुल बच्चों ऑल ऑफ द अबो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं बताना चाहता हूं ग्रोथ चार्ट को हम कभी कभी रोड टू हेल्थ चार्ट कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और हमेशा कंपेयर करते हैं हाइट क्या बच्चे का, वेट क्या है, हेड का साइज क्या, मतलब एग्जैक्टली जिस एज में जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है, जिस एज में जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं है, उस पैरामीटर को हम कंपेयर करते हैं, इसलिए तो इसका नाम है रोड टू हेल्थ चार्ट। और एग्जाम में कभी कभी ग्रोथ चार्ट के नाम से आते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स अवेलेबल है, और इन 5 बुक्स को परचेज करने के लिए आपको 1600 रुपीज पे करना होगा 9636032691 पर। और इन 5 बुक्स में बच्चों कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे, रिसर्च होगा, एडमिन होगा, एजुकेशन होगा, फार्मा होगा, माइक्रो होगा, मतलब सीधा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मतलब सीधा कि ये सारे सब्जेक्ट के साथ मैं ये बुक्स आपको मिलेगी और आप घर पे मंगवा सकते हो बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के में प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको कल के एग्जाम के लिए आपके अपने JINC परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अब तक आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, पैनिक मत होने दीजिएगा, कूल रखिएगा, बार बार बुक को पलटने की जरूरत नहीं है। आने वाले 24 आवर्स में अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, शांत एनवायरमेंट में रखिएगा, और ये सोच के जाना
कि अभी तक के मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा, सारे एमसीक्यू को दो बार पढ़ना, सही आंसर को सेलेक्ट करना, मॉर्निंग उठ के मां बाप का आशीर्वाद लेना, भगवान का आशीर्वाद देना, और जैन सिंह परिवार की तरफ से हमेशा आपके साथ दिल से आशीर्वाद है बच्चों। एग्जाम हॉल में जाइएगा, वहां पर भीड़ को देख के घबराना नहीं, बस में ट्रेवल करते समय पड़ोसी को देख के घबराना नहीं, बड़ी बड़ी बुक की दुकानें देख के डरने का नहीं बच्चों। एग्जाम हॉल के बाहर भी बच्चे आपको पढ़ते हुए दिखे हैं, बट आपको घबराने के नहीं, वो वही बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आखिरी एक घंटे में पढ़ के सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए वक्त देना होता है। और मेरे जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आपने बहुत जबरदस्त हार्डवर्क किया, बहुत अच्छी मेहनत की है, और अपना बेस्ट देना है, और ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, ये पहला एग्जाम समझ कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कल जब आप एग्जाम के बाद लौट के आओगे और कहोगे सर मजा आ गया, इस बार तो सच में यूपीपीएससी पार हो गया, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइएगा, खुश रहिएगा, माइंड शांत रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैन सिंह के एफर्ट्स, आपके परिवार का सपना और आपकी मेहनत, और तीनों मिलके इस बार इतिहास रचेंगे, और उस इतिहास में एक नाम आपके साथ जैन सिंह का भी होगा। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, इस दुआओं के साथ मैं एक बार फिर से मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, दिल से, मन से, जैन सिंह परिवार की तरफ से, आप अच्छा करके आओ बच्चों। जल्दी जैसे आप एग्जाम देके आओगे, अगली टास्क के लिए आपके अशोक सर और जैन सिंह तैयार है। क्या होगी अगली टास्क, ये आपके एग्जाम के बाद डिस्प्ले करूंगा। तो ख्याल रखिएगा, धमाका करके आइएगा बच्चों, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये मान के चलना बच्चों। जब एग्जाम सेंटर में बैठे, पड़ोसी का नहीं देखना है, पड़ोसी का नहीं मानना है, जो आपने पढ़ा, जो आप कर रहे हो, उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।